खुदा बाप पर बेटे रूह कुदस के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की तलावत अहबार की किताब उसके 25वें बाब की पहली आयत और फिर 8वीं आयत से 17वीं आयत तक तलावत समाप्त फरमाए। और खुदावन ने मूसा से कोहे सीना में कलाम करके फरमाया, और तू बरसों के सात सबत गिन, सात बरस सात दफा, तो तेरे लिए सात बरसों के सबत के 49 बरस हुए, और सातवें महीने की 10वीं तारीख को तू नरसिंगा फूंकवा, यौमे कुफारा को तेरी सारी जमीन में वो नरसिंगा फूंके, और तुम 50वें साल को मुकदस करो और जमीन के सारे बाशिंदों के दरमियान ऐलान रहाई कराओ, ये तुम्हारे लिए जुबली होगी, हर एक आदमी अपनी मलकियत को जाए और हर एक अपने खानदान में वापस हो। 50वां बरस तुम्हारे लिए जुबली का होगा, तुम इसमें कुछ ना बो और जो खेतों में उगे उसे ना काटो, और अपने लिए अंगूरों के जो छांटे नहीं गए फल ना तोड़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये मुकद्दस जुबली होगी। मैदान की पैदावार तुम खाओ, उस जुबली के वर्ष में तुम हर एक अपनी मलकियत पर वापस जाओ। जब तुम अपने हमसाया के पास कुछ बेचे या उससे कुछ खरीदे, तो तुम में कोई अपने भाई के साथ दगाबाजी ना करे। जुबली के वर्ष के बाद बरसों के शुमार के मुआफिक तू अपने हमसाये से खरीदना, और वो पैदावार के बरसों के शुमार के मुताबिक तेरे पास बेचे। बरसों की कसरत के मुआफिक तू उसके लिए कीमत बढ़ाना और उनकी कमी के मुआफिक घटाना, क्योंकि वो तुझे शुमार के मुआफिक पैदावार बेचता है। बस तुम अपने हमसाये से दगाबाजी ना करो, बल्कि तू अपने खुदा से डरना, क्योंकि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। कलाम अक़दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत।